भगत जी तो इतनी मेहनत, सबकी सेवा में लगे हुए रहते हैं, पुल बनाते हैं जिससे ठंडे पानी में कोई ना गुजरे, बच्चों को परेशानी नहीं पड़े। बस यहाँ तो छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग सभी निकलते हैं। यहाँ से लगभग हैं गुजरते हैं 300-400 लोग। ये तो बहुत मेहनत करते हैं, इन्हीं की वजह से तो ये गांव जरा कुछ सुविधा में होते हैं। कोई परेशानी नदी में पानी जैसे ज्यादा होता है, कोई जरूरत पड़ती है तो इनकी नाव फोन करके इनकी नाव मंगवा लेते हैं गांव के। 50 साल हो चुके। 50 साल से आप ही बना रहे हैं? हाँ। कहाँ से ये आइडिया आया था, कैसे मतलब मन में आया कि पुल बनाना चाहिए? सब पब्लिक में राजी मिला, इस से पुल बनेगा, ऐसे फर्रे लाव चला के, ऐसे बल्ले लाव काट के, ऐसे खोडे बनने हैं, पब्लिक ने राजी। मजबूती काफी रखते हैं, मतलब कैसे बल्ली टूटे ना पल्ला टूटे, मजबूती काफी रखते हैं। अगर टूट भी याद होगा लड़ी में कोई तो ठोक देते हैं, हाथ तैयार रहना पड़ेगा आदमी यहाँ पे। टूट जाएगा फौरन मुताबिक पल्ला टूट गया, ठोक गया। दिन भर आप मतलब यहीं पे रहते हैं कि? दिन भर यहीं रहना, सब कुछ 6 बजे से 7 बजे तक, शाम को 7 बजे। बहुत बढ़िया काम करा दूंगा जी, जो पैर नहीं भेजता पानी में बिल्कुल भी, सुबह सुबह निकले भाग चले जाए, ठंड में कौन पैर भेजा। गाँव का आदमी बतेरे काम है, मतलब बतेरी कोशिश कर रहे हैं मगर सुनता कोई नहीं। तिलोकपुर के ये गांव के जितने आदमी इधर के बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा।